सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ विकास, और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं OnePlus Nord के बारे में। तो OnePlus Nord काफ़ी टाइम से चर्चा में चल रहा है, और इस फोन को लेकर के मतलब बहुत ज़्यादा लोग ये सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सस्ता आने वाला है। कुछ लोग तो इवन ये भी कह रहे हैं कि जिनके पास में ऑलरेडी अपने फ्लैगशिप फोन है उनको बेच करके OnePlus Nord ले लें। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे OnePlus Nord के बारे में, क्या कुछ लीक होकर के आया है, कब तक लॉन्च होगा, क्या कुछ प्राइसिंग रहने वाली है, क्या कुछ इसके स्पेक्स हो सकते हैं जो हमें देखने के लिए मिलेंगे। तो बिना ज़्यादा डाइविंग आए चलते अपने वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो यार, सबसे पहले अगर बात करें OnePlus Nord की, तो इस डिवाइस को काफी समय से चर्चा में लाया जा रहा है अलग अलग चीजों को लेकर के, कि ऐसा होगा वैसा होगा। अब एक बात तो क्लियर है, OnePlus के जो अभी के फोन हैं उनसे तो ये सस्ता होने वाला है जैसा कि लोगों को लग रहा है, क्योंकि प्रीमियम फोन्स के लिए OnePlus जाना जाता है। और OnePlus के फोन जब आपको मालूम हो इसकी अगर OnePlus की हिस्ट्री, तो 20-25 हज़ार से शुरू हुए थे जब इसके फोन्स को फ्लैगशिप किलर बोला जाता था, लेकिन उसके बाद में 30 हज़ार पहुंचे, 40 हज़ार पहुंचे, 50 हज़ार पहुंचे, और अभी की डेट में अगर आप देखें तो OnePlus के फोन आपको 70,000 तक मिल जाते हैं, जो कि पहले फ्लैगशिप किलर हुआ करते थे लेकिन अभी फ्लैगशिप हो गए हैं। तो अभी के समय से देखा जाए मार्केट के अंदर एक जगह खाली है, उस जगह को भरने के लिए OnePlus अपने इस Nord को लेकर के आने वाला है। तो इसी Nord के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्या कुछ लीक होकर के आया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस डिवाइस की स्क्रीन के बारे में। तो डिस्प्ले में अगर आप देखा जाए तो यहां पर आपको 6.55 इंच की फुल HD प्लस स्क्रीन मिलने वाली है, जो कि एक सुपर AMOLED स्क्रीन होगी। डिवाइस के अंदर आपको हाई रिफ्रेश रेट भी देखने के लिए मिलेगा, जो कि 90Hz तक आपको सपोर्ट करेगा। इसके अलावा अगर बीजल्स की बात करें तो बीजल्स काफी ज्यादा थिन होने वाले हैं। फ्रंट में आपको डुअल सेल्फी कैमरा मिलने वाला है, जो कि एक पंच होल कैमरा होने वाला है। इसके अलावा अगर बात करें टच सैम्पलिंग रेट की, तो वो इस डिवाइस के अंदर आपको 180 हर्ट्ज का मिलने वाला है, जबकि बात करें कुछ पुराने डिवाइसेस की जैसे OnePlus 7T की अगर बात करें तो यहां पर आपको 135 हर्ट्ज तक का ही सैम्पलिंग रेट मिलता था, जो कि आपके फोन को फास्टर रिस्पॉन्स करने में काम करता है। यानी कि आपने अपने फोन पर टच किया तो उसके बाद में जो रिस्पॉन्स आएगा वो इसी पर डिपेंड करता है आपके फोन का टच सैम्पलिंग रेट कितना ज्यादा है। तो वो इस बार इस फोन के अंदर काफी अच्छी चीज देखने के लिए हमें मिलेगी। तो अब बात कर लेते हैं इस डिवाइस की परफॉर्मेंस के बारे में। तो डिवाइस के अंदर जो प्रोसेसर मिलेगा वो आपको मिलने वाला है स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला 765G, जो कि एक 5G प्रोसेसर होने वाला है। हालांकि प्योर फ्लैगशिप तो ये प्रोसेसर नहीं होगा, लेकिन अगर बात करें मिड रेंज स्मार्टफोन्स की, तो इसमें जो प्रीमियम लेवल की परफॉर्मेंस होती है वो आपको इस डिवाइस के साथ में देखने के लिए मिलेगी। और ऑब्वियसली 5G प्रोसेसर है, तो इस डिवाइस के अंदर हमें 5G का सपोर्ट भी देखने के लिए मिल सकता है। और साथ ही अगर बात करें तो यहां पर आपको इस डिवाइस के अंदर 12GB की रैम मिल जाती है, और इसके अलावा 128GB की स्टोरेज मिल जाती है, जो कि बिल्कुल सेम वही सेटअप है जो आपको OnePlus 8 के अंदर देखने के लिए मिलता था। हालांकि OnePlus 8 प्रो के अंदर ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन OnePlus 8 के अंदर हमें 12GB की रैम और 128GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाती थी। अब बात कर लेते हैं फोन के कैमरा सेटअप की। तो यहां पे आपको क्वाड कैमरा मिल जाता है फोन के बैक साइड में, जो कि एक वर्टिकल कैमरा सेटअप है। अगर प्राइमरी सेंसर की बात करें तो यहां पे आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिल जाता है, जो कि सोनी का IMX586 होने वाला है, जिसका मतलब इमेज प्रोसेसिंग काफ़ी अच्छी होने वाली है और आपकी जो इमेज क्वालिटी होगी वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी की होने वाली है। इसके अलावा अगर बात करें दूसरे सेंसर की, तो वो आपको मिल जाता है एक अल्ट्रा वाइड सेंसर, जो कि 8 मेगापिक्सल का है। इसके अलावा आपको 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर भी मिल जाता है। और इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे जो चौथा कैमरा, उसका मेगापिक्सल अभी तक रिवील नहीं हुआ है, लेकिन पता चला है कि वो एक मैक्रो सेंसर होने वाला है, जिसके साथ में आप किसी छोटी चीज़ का या फिर पास से आपको कोई फोटो लेना है वो भी बड़े आराम से कैप्चर कर पाओगे। इसके अलावा बात करते हैं फोन के फ्रंट साइड में, जो कि आपको पंच होल में कैमरा मिल जाता है, वो भी एक डुअल कैमरा होने वाला है, जहां पर आपका प्राइमरी सेल्फी कैमरा जो होगा वो होगा 32 मेगापिक्सल का। इसके अलावा अगर बात करें सेकेंडरी कैमरा की, तो वो आपका एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा होने वाला है, जिसके साथ में आप ग्रुप सेल्फी वगैरह अगर लेना चाहते हैं तो बड़े आराम से ले सकते हो। साथ ही बात कर लेते हैं फोन के कुछ एडिशनल फीचर्स की। तो इस फोन के अंदर आपको USB टाइप सी देखने को मिलने वाला है, जो कि सपोर्ट करेगा रैप चार्जिंग को। यहां पर आप 30W तक अपने फोन को चार्ज कर सकते हैं, और उम्मीद है कि इसका चार्जर आपको फोन के बॉक्स के अंदर ही मिल जाएगा, जैसा कि हमेशा से होता आया है। इसके अलावा अगर बात करें एक चीज की जिसने मेरा दिल दुखाया है, तो वो ये है कि इस फोन के अंदर आपको 3.5mm का जैक नहीं मिलता है। वो आप देख सकते हैं फोन की जो लीक इमेज होती है उनके अंदर भी। तो यार, ये एक छोटी सी दिल दुखा देने वाली बात है। हालांकि OnePlus अपने डिवाइसेस के अंदर ये चीज नहीं देता है, लेकिन फिर भी 3.5mm जैक हो तो अच्छा है। हो सकता है इसके साथ में वो हमें कोई अडेप्टर वगैरह दे दें, जिसकी मदद से हम अपना 3.5mm का जैक इस डिवाइस के साथ में यूज कर सकें। बैटरी की बात करें तो इस डिवाइस के अंदर हमें 4300mAh की बैटरी मिल जाती है, जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी, मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा फोन के अंदर हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलने वाला है। ऑब्वियसली वो तो होना चाहिए, क्योंकि अगर फोन के अंदर सुपर AMOLED स्क्रीन है तो आप फोन के अंदर वो चीज भी दे सकते हो। इसके अलावा अगर बात करें तो फोन हमें ऑक्सीजन OS के साथ में मिलेगा, जो कि बेस्ड होगा Android 10 पे। इसके अलावा Android 11 में भी अपग्रेडेबल होगा, जैसा कि हमें पता है OnePlus काफी अच्छे से इस चीज को मैनेज करता है और अपने जो अपडेट्स होते हैं वो रेगुलरली यूजर्स को प्रोवाइड करता रहता है। तो यहां पर हमें Android 11 का सपोर्ट भी बहुत जल्दी देखने को इस डिवाइस के ऊपर मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी प्राइसिंग। तो सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं, एक सर्वे हुआ था यूजर्स का, जहां पर लोगों से
उसकी प्राइसिंग के बारे में पूछा गया था। तो लोगों ने सबसे ज़्यादा जो वोट किए वो किए 25,000 की प्राइसिंग को, यानी एग्जैक्ट आपको बताऊँ तो 24,990 रुपये की जो प्राइसिंग थी वो सबसे ज़्यादा यूज़र्स ने सजेस्ट की। तो यार मुझे तो नहीं लगता कि उस प्राइसिंग के पास में आएगा, अगर आ जाता तो बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ोन ये होने वाला है जैसे इसके स्पेक्स मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा बात करें कब लॉन्च होने वाला है, तो बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, 21 जुलाई को इसका लॉन्च इवेंट होने वाला है। और जो पहली बार इसका लॉन्च इवेंट होने वाला है वो कोई मतलब फिजिकल लॉन्च इवेंट नहीं होगा, वो एक वर्चुअल लॉन्च इवेंट होगा। इसके लिए आपको नॉर्ड की एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करनी होगी, उसके थ्रू आप इस लॉन्च इवेंट को AR में देख पाओगे। मतलब AR टेक्नोलॉजी अभी बहुत ज़्यादा चल रही है और अभी भी इस पर काम चल रहा है, लेकिन ये इवेंट आपका फिजिकली ना होकर के AR में होगा, तो आप इसको अपने फोन पे ऑग्यूमेंटेड रियलिटी में देख सकते हो। और यार देखो मुझे क्या लगता है, मुझे नहीं मतलब और भी लोगों को लगता है जो टेक एक्सपर्ट है उनको ये लगता है कि अभी के समय में अगर देखा जाए तो प्रीमियम फोन की अगर आप बात करें तो 50,000 से अबव में आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, सैमसंग के हैं, वन प्लस के हैं। इसके अलावा आप अगर आईफोन की बात करें तो वो भी आपको मिल जाते हैं। और अगर बात करें 20,000 से नीचे की तो इसके अंदर तो आपको बहुत सारे ब्रांड मिल जाएंगे, जहां पे आपका रेडमी है, रियलमी है, ओप्पो है, वीवो है। लेकिन अगर बात करें 25,000 से 30,000 की मार्केट की तो वहां पर फोन तो अभी भी है लेकिन कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटर नहीं है, कोई भी अच्छा ऐसा ब्रांड नहीं है जिस पे लोग भरोसा कर सके और 25,000 से 30,000 रुपए खर्च करने के लिए तैयार हो जाएं किसी भी एक फोन के लिए। तो ये मार्केट अभी पूरी तरह से फ्री पड़ा है। हालांकि जब OnePlus आया था तो OnePlus ने सबसे पहले इसी मार्केट को टारगेट किया था, लेकिन अब OnePlus के फोन जो है थोड़े से महंगे हो गए, 60-65-70 हज़ार तक अभी OnePlus के फोन पहुंच गए हैं। तो OnePlus की एक कोशिश जो है नॉर्ड को लाने की वो शायद इसी के लिए है कि वो इस मार्केट पे कैप्चर करना चाहता है कि 25,000 से 30,000 या फिर 35,000 के रेंज में अगर कोई फोन लेना चाहता है तो वहां पे उनको एक अच्छा ब्रांड मिल जाए। और OnePlus की ब्रांड वैल्यू आप जानते हैं कि अगर एंड्रॉइड में किसी को कोई प्रीमियम फोन लेना है तो OnePlus ही है, उसके अलावा फिर आप सैमसंग की बात कर सकते हैं। तो ब्रांड वैल्यू के मामले में देखा जाए तो OnePlus ने काफी अच्छा भरोसा जीत लिया है। और हो सकता है आने वाले समय में, अभी तो ये नॉर्ड हमें एक डिवाइस देखने के मिल रहा है, आने वाले समय में हो सकता है हमें ये पूरी सीरीज की तरह से देखने के लिए मिल जाए। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि इसको सीरीज ना बना करके ये पूरा का पूरा ब्रांड बनाते। जैसे आपको याद होगा पहले ओप्पो लेकर के आया था रियलमी 1, तो जब उन्होंने देखा कि मार्केट में फोन हमारा बिल्कुल अच्छे से हिट हो गया है, लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया है, फीचर्स अच्छे थे, प्राइसिंग अच्छी थी, तो उन्होंने क्या करा, इसको सीरीज ना बना करके एक अलग से सेपरेट ब्रांड बना दिया। और अभी आप देख सकते हैं रियलमी किस लेवल पे पहुंच गया है। तो हो सकता है 25,000 से 30,000 की रेंज के अंदर OnePlus भी अपने नॉर्ड को लेकर के आए और बाद में इसको एज अ ब्रांड यहां पर इंडिया में अकम्प्लिश कर दे। और इस चीज़ का हमें पता इस बात से चल जाता है कि अगर हम देखें इंस्टाग्राम हैंडल पे या फिर ट्विटर वगैरह पे जाते हैं तो OnePlus Nord के लिए हमें OnePlus के जो सोशल मीडिया हैंडल होते हैं वो नहीं देखने को मिलते, Nord के अलग से हैंडल। इसका मतलब हो सकता है इन फ्यूचर ये ब्रांड बन जाए, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो बस यार इतना ही था इस वीडियो में। अगर आप वीडियो कैसा लगा या फिर आप OnePlus Nord के बारे में क्या कुछ सोचते हो, आपके क्या विचार हैं, मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, आपका कोई सवाल या सुझाव तो मुझसे पूछ सकते हो कमेंट करके। इसके अलावा आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मुझसे बात करना चाहते हो तो फॉलो कर सकते हो मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। मैं आपसे मिलता हूँ आने वाले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।